फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो चियान विक्रम की मच अवेटेड फिल्म थंगलान की रिलीज डेट को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि थंगलान के मेकर्स इस फिल्म को 15 अगस्त 2024 को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि थंगलान की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें, चियान विक्रम की ये फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर पारंजीत ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें चियान विक्रम के साथ मालविका मोहन और पशुपति लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और चियान विक्रम की ये फिल्म हमें 2024 में पैन इंडिया देखने को मिलेगी। करीना कपूर खान की आने वाली फिल्म दी बकिंगम मर्डर्स की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि करीना कपूर खान की ये फिल्म हमें 13 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। आपको बता दें, करीना कपूर खान की ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है। और वहीं कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें दी बकिंगम मर्डर्स का टीजर और ट्रेलर देखने को मिलेगा। और करीना कपूर खान की ये फिल्म हमें सितंबर 2024 में देखने को मिलेगी। थलापति विजय की आखिरी फिल्म थलापति 69 को लेकर एक बड़ी अपडेट है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि थलापति 69 को डायरेक्टर एच विनोद डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें थलापति विजय के साथ समंथा रुतप्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और वहीं इस फिल्म को केवीएन प्रोडक्शन के अंडर बनाया जाएगा, जिसमें हमें अनिरुद्ध का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। ऑफिशियल तो नहीं है पर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें थलापति 69 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें थलापति विजय की, तो अभी थलापति विजय डायरेक्टर वेंकट प्रभु डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में बिजी हैं, जो कि हमें 5 सितंबर 2024 को देखने को मिलेगी। तो आप थलापति विजय की आने वाली इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट में बताएं। कल की 2898 AD से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, इस फिल्म के प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। और इसके तीसरे पार्ट में हमें ज्यादातर सुप्रीम यास्किन के बारे में दिखाया जाएगा। और वहीं इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग लगभग 60% कम्प्लीट हो चुकी है। और अगर सब कुछ सही जाता है तो कल की का दूसरा पार्ट हमें समर 2025 में देखने को मिलेगा। तो क्या आपने डायरेक्टर नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म कल की 2898 AD को देख लिया है? और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अजीत कुमार की मच अवेटेड फिल्म विदा मुयार्ची से मेकर्स ने फर्स्ट लुक को रिलीज कर दिया है। आप यहाँ पर इसके फर्स्ट लुक पोस्टर को देख सकते हैं। आपको बता दें, अजीत कुमार की ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर मगिस थेरुमेनी डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म हमें अजीत कुमार के साथ त्रिशा, अर्जुन सार्जो और रेगिना का सेंड्रा लीड रोल में देखने को मिलेंगी। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि अजीत कुमार की ये फिल्म हमें दिवाली 2024 में देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि विदा मुयार्ची की रिलीज डेट क्या होती है। बेल्लम कोंडा साई श्रीनिवास की आने वाली अनटाइटल फिल्म BSS 11 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इस बात को खुद मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है। आपको बता दें, बेल्लम कोंडा साई श्रीनिवास की ये फिल्म एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर कौशिक पेगलापति डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें बेल्लम कोंडा साई श्रीनिवास के साथ अनुपमा परमेश्वरम लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और बेल्लम कोंडा साई श्रीनिवास की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कल की 2898 AD ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 555 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं बात करें ट्रेड द्वारा बताए गए कलेक्शन की, तो कल की 2898 AD ने 4 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु वर्जन से 38 करोड़ 80 लाख रुपए, हिंदी वर्जन से 40 करोड़ रुपए, तमिल वर्जन से 5 करोड़ 50 लाख रुपए, मलयालम वर्जन से 3 करोड़ 20 लाख रुपए और कन्नड़ा वर्जन से 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ कल की 2898 AD ने 4 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 309 करोड़ का नेट कलेक्शन और 369 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ कल की 2898 AD ने 4 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 146 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं कल की 2898 AD ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 515 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि कल की 2898 AD का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।